अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी बेसनी रोटी बनाने का तरीका। बेसनी रोटी तो हम सब नहीं खाई होगी, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अचारी टच दे दिया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनती है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 4 कप बेसन ले लेंगे, ये छना हुआ बेसन है, और 2 कप आटा ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या हसब जायका, यहाँ मैं पिंक सॉल्ट ले रही हूँ, आप जो भी नमक लेना चाहें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून भरकर हरा धनिया लेना है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून अचार का तेल। आप किसी भी अचार का तेल ले सकते हैं, बस ये ख्याल रखिएगा कि अगर 2 टेबलस्पून अचार का तेल है तो 1 टेबलस्पून अचार का मसाला भी साथ आए। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हाथों से मसल कर यकजान कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे आटे की तरह से गूंदेंगे और इसका एक डो फॉर्म कर लेंगे। यहाँ जल्दी की वजह से मैंने वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दी है, ये देखिए। थोड़ा सा स्टिकी होता है, संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब एक मज़ेदार सा रायता तैयार कर लेते हैं। 1 पाव दही लिया है मैंने, इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1 प्याज चॉप की हुई, 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा रायता रेडी है। यहाँ आटा हमारा सेट हो चुका है, थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, दोनों हाथों पे लगाया है और एक पेड़ा बना लेंगे। ऑयल लगाने से बेसनी रोटी बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे। अब किचन काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसकी अच्छी सी एक रोटी बना लेंगे। अगर आपने ऑयल ठीक से डाला है तो आपकी रोटी कभी भी चिपकेगी नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से रोटी बनानी है। तवा मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था और इसको गर्म हुए तवे पे डाल देंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे ऊपर से। बेसन रोटी आप बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, सॉसेस, रायते, चटनियाँ, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बन सकती हैं। एक साइड से सिकने के बाद इसको पलट देंगे और अच्छी तरह से इसको दूसरी साइड से भी सेकेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको थोड़ा सा और कलर देना है तो आप इसको थोड़ा सा और सेक लीजिए। और अब ये रेडी है, इसे उतार लेंगे। इसे रायते और लाल चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसके साथ साथ आप इमली जिंजर सॉस भी रख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कुछ लोग मेरी वीडियो सिर्फ वॉच करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब मेरा कॉन्टेंट दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएगा। सो डू सब्सक्राइब एंड फी अमान अल्लाह।